हेलो फ्रेंड, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ हो रहा है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में कराधान व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की परंपरा का पालन करते हुए आज राजकोषीय घाटे के को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। अभी उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की कुछ पूर्व बकाया एवं मांग को माफ करने की घोषणा की है, जिससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। ऐसे सभी केसेस 2014-15 फाइनेंशियल तक के जिन पर 10,000 रुपये तक की डिमांड है उसको उन्होंने माफ़ कर दिया है या डिस्प्यूट समाप्त कर दिया है, और उन्होंने जो पिछले साल का टैक्स लैब है वही आगे कंटिन्यू करने का प्रस्ताव रखा है। यानी हमारे करदाता भाइयों को 7 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। डिटेल में जानने के लिए मेरा अगला वीडियो शीघ्र ही आएगा, वो देखें। थैंक यू।